हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट और आज की वर्कशीट है आपकी वर्कशीट नंबर फोर्टी फोर ये डेट है आपकी ट्वेंटी सेवन दिसंबर सब्जेक्ट है आपका इंग्लिश क्लास है एट यहाँ पे आपको अपना नाम और यहाँ पे आपको अपना टीचर का नाम लिखना है आज हम पढ़ने वाले हैं लेसन जॉर्डिज दिस इज जॉर्डिस फाउंड कंटिन्यू जो हम लास्ट वर्कशीट में पढ़ रहे थे उसी को कंटिन्यू करेंगे तो रीड द फॉलोइंग पैसेज ये आपको कुछ पैसेज मतलब पैसेज दिया गया है इसको आपको रीड करना चलिए स्टार्ट करते हैं हिज आर्म्स बिगिन टू एक्ट एंड ही वॉज फोर्स टू स्टॉप अगेन तो यहाँ पे जो है उसके आर्म्स जो है वो थक गए थे उनके आर्म्स में एक और मतलब पेन हो रहा था तो बच्चों यहाँ पे जिसके आर्म्स में पेन हो रहा था जॉडी के ठीक है जॉडी के वॉल स्टॉप ही फोर्स ही वॉज फोर्स टू स्टॉप अगेन और वह खुद को उसने थोड़ी देर रोक लिया वेन ही वॉकड ऑन और जब वो फिर से चलने लगा द फ़ोन फॉलोड हिम वंस एट वंस और जो फिर दोबारा से फोन मुझे फॉलो करने लगा जब वह चलने लगा दोबारा ही अलाउड इट टू वॉक अ लिटल डिस्टेंस वह थोड़ी दूर चलने के बाद दैन पिक्ड अप पिक्ड अगेन और उसने जो है फिर से फ़ोन को उठा लिया द डिस्टेंस होम वॉज नथिंग जो अब डिस्टेंस था घर का घर की जो दूरी थी वो अब कुछ भी नहीं थी मतलब ना के बराबर थी ही कुछ हैव वॉकड ऑल डे एंड इन टू द नाइट कैरिंग इट एंड वॉचिंग इट फॉलो वह उसे पूरे दिन चल सकता था दि, आ, पूरे दिन और रात चल सकता था उसकी उसे देखते हुए या फिर उसको अपने बाहों में लिए हुए मतलब उसे पूरे दिन देख सकता था अब आके है ही वॉज ही वॉज वेट विद स्वेट बट अ लाइट फ्रीज विलो थ्रू द जून मॉर्निंग यहाँ पे क्या था जो जु, जून का मॉर्निंग का मॉर्निंग का टाइम था और वह पूरी तरीके से पसीने से भीगा हुआ था और उसके ऊपर से ठंडी ठंडी सी हवा चली मॉर्निंग की सुबह सुबह की तो उसे काफ़ी अच्छा फील हुआ कूलिंग हिम और वह उसे ठंडी कर गई द स्काई वॉज एज क्लियर एज स्प्रिंग वाटर इन अ ब्लू चाइना कप जो स्काई था जो आसमान था वो इतना साफ, साफ था जैसे कि कोई स्प्रिंग uh, वाटर हो किसमें ब्लू चाइना कप में ही कम टू ही केम टू द क्लियरिंग इट वॉज फ्रेश एंड ग्रीन आफ्टर द नाइट्स रेन जो uh, uh, है पहुंचा और उसे जो है अच्छा फील हुआ ग्रीन लगा मतलब क्योंकि रात में जो है बारिश हुई थी तो उसे फ्रेश फ्रेश और ग्रीन ग्रीन फील हो रहा था ही यहाँ पर लिखा ही फ्रॉम वर्ल्ड विद द लेट एंड वॉच फाइनली टू सेट डाउन द फोन एंड मैनेज इट तो यहाँ पे क्या हुआ कि वो का, अब क्या था वो घर पर पहुँच गया था ठीक है लेच होती है जो वो लगे होते हैं ना चेन टाइप लगे होते गेट पर उसे हम लेच बोलते हैं और वहाँ पर उसने जो है फोन को नीचे रख दिया और उसे मैनेज करने लगा देन देन ही हैड एन आइडिया देन उसके पास एक आइडिया आया ही वुड वॉक इन टू द हाउस और वो घर के अंदर चला गया इन टू पैनीज बेडरूम और वहाँ कहाँ पर गया वो अपने पापा के बेडरूम में पैनीस के पैनी के बेडरूम में विद द फाउंड वॉकिंग बिहाइंड हिम फाउंड भी उसके पीछे पीछे चलने लगा बट एट द स्टेप्स वहाँ बट सीढ़ियों पर जो है दॉ एंड रिफ्यूज टू क्लाइंब डैम जो फाउंड uh, था वो वहीं पर रुक गया क्योंकि वो उसके ऊपर चढ़ नहीं सकता था ही पिक द आप पिक था उन्होंने उसने जो है फोन को पकड़ लिया एंड टू हेम हिज फादर और वह उसे फादर के पास ले गया ठीक है पैनी ले विद क्लोज आईज जो पैनी थे वह लेते हुए थे अपनी आँखें बंद करके जॉडीज कॉल जॉडी बोला पा लुक पापा देखो पैनी टर्न हिज हेड पैनी ने अपना हेड टर्न किया जॉर्डिज हिम जॉर्डिज उनके पास उनके पीछे खड़ा था दाउंड क्लस्ट हेयर अगेंस्ट हिम इट जो फाउन था वो उसके पीछे खड़ा उसे बहुत तेज उसने पकड़ रखा था किसको जॉर्डी को इट सीम्स टू पैनी पैनी ने देखा डेट द बॉयज आईज वर ब्राइट एज द फाउंड यहाँ पे क्या था जो जॉर्डीज की आंखें थी मतलब जो बच्चे उस लड़के की आंखें थी वो वैसे ही चमक रही थी जैसे फाउंड के आंखें चमक रही थी ही सेड आई एम ग्लैड यू फाउंड हिम मैं तुम्हारा मैं बहुत खुश हूँ मतलब जो पैनी थे उन्होंने कहा जो जॉर्डी के फादर थे उन्होंने कहा कि आई एम ग्लेड यू मैं बहुत खुश हूँ कि तुम उसे ढूंढ लाए ठीक है बच्चे तो मतलब चलिए अब देखते हैं आगे की वर्कशीट में क्या है जो है आपका बी पार्ट दिया गया है बी पार्ट में आपको देखिए क्या करना है नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द हिंडस ब्रैकेट ब्रैकेट में जो आपको हिंट्स दे रखे हैं इससे आपको ये सेंटेंस कंप्लीट करना है तो फर्स्ट आपका दिस आर्म्स सॉरी डैश आर्म्स बिगिंस बिगिन बिगिन टू एक्ट एंड ही पर्स फोर्स टू स्टॉप अगेन तो किसके आर्म्स में पेन होने लगा था तो यहाँ पर आ जाएगा जॉडीज़ तो यहाँ पर आप इस तरीके से जॉर्डीज लिख लोगे ठीक है इट वॉज द मंथ ऑफ डैश कौन सा मंथ चल रहा था जून का अभी हमने पैराग्राफ में पढ़ा द स्काई वॉज एज क्लियर एज स्प्रिंग वाटर इन अ ब्लू चाइना कप जो स्काई था वो क्लियर किसकी तरह क्लियर था स्प्रिंग वाटर की तरह ठीक है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा स्प्रिंग वाटर इट वॉज फ्रेश एंड ग्रीन यहाँ पे क्या है का बच्चों ग्रीन इट वॉज फ्रेश एंड ग्रीन आफ्टर अ नाइट रेन रात की बारिश के बाद जो मौसम था वो बहुत ही फ्रेश था और ग्रीन था अब आगे सी पार्ट दिया गया बच्चों यहाँ पर आपको रीट द डायरी एंट्री गिवन लो एंड लो कैट द फॉर्मेट केयरफुली यहाँ पर डायरी एंट्री दी गई है आपको इस डायरी एंट्री को केयरफुल देखना है फॉर्मेट को ऑब्जर्व करना है और आपको आगे एक डायरी एंट्री लिखना भी है खुद से तो चलिए देखते हैं फॉर्मेट क्या है बच्चों यहाँ पे आप डेट लिखते हैं उसके बाद नीचे आप टाइम और डे डे लिखते हैं ठीक है क्या लिखते हैं डे एंड टाइम ठीक है डे एंड टाइम लिखते हैं तो उसके बाद यहाँ पे देखिए किसके बारे में बताया गया यहाँ पर शिमला के बारे में बताया गया आप ये पढ़ लीजिएगा खुद से शिमला हैज़ ऑल्सो बीन अ प्लेस आई वॉन्टेड टू विजिट शिमला एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर मैं विजिट करना चाहता था आई थॉट इट वॉज अ लवली हिल स्टेशन यहाँ पे बहुत ही प्यारा हिल स्टेशन होगा विद मैगनीफाइंड मतलब जो हम शिमला के बारे में सोचते हैं तो हम क्या सोचते हैं कि चारों तरफ जो है आइस होगी हर तरफ बर्फ़ से ढका होगा बर्फ़ की बारिश होगी होगी इस टाइप का तो ये जो है सोचा हुआ है और एक दिन ये जिसने भी डायरी एंट्री करी वो शिमला पहुँचे और वहाँ का व्यू देखा उन्होंने किस तरीके का व्यू है और उसको यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है ठीक है इस पूरे पैराग्राफ में बस यही है कि डिस्क्राइब किया हुआ है उसके बाद आपको नीचे नीचे जो है डायरी एंट्री करनी है राइट और डायरी एंट्री डिस्क्राइबिंग हाउ यूर सेलिब्रेट दिवाली फेस्टिवल दिवाली फेस्टिवल आपने कैसे सेलिब्रेट किया वो आपको यहाँ पे लिखना है ठीक है तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं तो ये आप हाँ इस तरीके से लिखोगे ऊपर पहले आपको डेट लिखना है आज की डेट लिखिए यहाँ पे ठीक है सत्ताईस दिसंबर मंडे और टाइम लिखा हुआ टाइम जो मर्जी चाहे आप लिख सकते हैं जिस भी टाइम आप डायरी लिख रहे हो वो टाइम लिखेंगे टुडे वी विल सेलिब्रेट द फेस्टिवल ऑफ लाइट दिवाली आज जो है हम सेलिब्रेट कर रहे हैं कौन सा फेस्टिवल दिवाली इट वॉज माई बेस्ट इट वॉज माई बेस्ट दिवाली एवर ये जो मेरी दिवाली थी वो सबसे बेस्ट थी ऑन दिस दिवाली आई डिसाइडेड टू गिव सम ऑफ़ द सम ऑफ माई ओल्ड क्लॉथ्स टू द ऑर्फनेज मैंने इस दिवाली मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने जो पुराने कपड़े हैं वो ऑर्फनेज मतलब अनाथालय में दूंगा आई वॉन्ट टू द नियर बाय ऑर्फनेज मैं अपने नियर बाय ऑर्फनेज गया एंड आई ऑल्सो टुक सम स्वीट्स एंड कैंडल्स कुछ कैंडल्स और स्वीट्स ली मैंने फॉर द चिल्ड्रन वहाँ के बच्चों के लिए जो कि अनाथालय में रहते हैं वैन आई वॉन्ट टू वैन आई वॉन्ट टू द मार्केट विद माई फैमिली टू बॉट सम न्यू क्लॉथ्स एंड स्वीट्स और फिर मैं अपने फैमिली के साथ जो है मार्केट uh, गया वहाँ से मैंने कुछ कपड़े खरीदे और कुछ स्वीट्स uh, मतलब मिठाई खरीदी आई गॉट सम स्वीट्स फ्रॉम फॉर माई कज़न्स नेबर्स फ्रेंड्स आफ्टर डेट और कुछ uh, मिठाइयाँ जो है मुझे मेरे कज़न ने दी मेरे फ्रेंड्स ने दी और मेरे पड़ोसियों ने दी आफ्टर डेट इसके बाद आई वॉन्ट टू माई कज़न हाउस उसके बाद तो अपने कज़न के घर गया अपने जो है भाइयों भाई बहनों के घर गया टू तो हैव फन मस्ती करने के लिए इन द इवनिंग इवनिंग में आई डेकोरेटेड माय हाउस विद द इलेक्ट्रिक बल्ब और इवनिंग में जो है मैंने इलेक्ट्रिक बल्ब से अपने हाउस को डेकोरेट किया एंड फ्लावर लक्टरबल वन फ्लावर से फिर मैंने एक ब्यूटीफुल सी रंगोली बनाई अपने घर के बरामदा में आफ्टर लक्ष्मी पूजा लक्ष्मी पूजा के बाद हमारे घर में जब लक्ष्मी पूजा हो गई उसके बाद नाइट के टाइम पे वी ऑल वेंट ऑन ए अमेजिंग पार्टी इन आर सोसाइटी हमने सोसाइटी में एक जो है बहुत ही अमेजिंग पार्टी ऑर्गेनाइज की वी इन्जॉय आ लॉट ऑफ इन द पार्टी इस पार्टी में हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया दिस ईयर आर कॉलोनी है डिसाइडेड नॉट टू बर्न क्रैकर्स इस दिवाली पर जो है हमारी कॉलोनी ने डिसाइड किया कि हम क्रैकर को बर्न नहीं करेंगे मतलब पटाखे नहीं जलाएंगे बिकॉज ज्यूरिंग क्रैकर्स विल पॉल्यूट द एन्वायरमेंट क्योंकि जो हम पटाखे जलाते हैं तो हमारा एन्वायरमेंट क्या हो जाता है पॉल्यूटेड हो जाता है इन द पार्टी आई टू पार्टी आई डो पार्ट इन मैनी कॉम्पिटिशन और यहाँ पे जो है इस फेस्टिवल में इस दिवाली में मैंने बहुत सारे कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया ठीक है ये आपकी डायरी एंट्री यहाँ पे ख़त्म होती है लास्ट में आप क्या लिखोगे यहाँ पे अपना नेम लिख दोगे ठीक है बच्चों तो ये दिवाली जो का दिवाली का जो है फॉर्मेट हो गया आपका तो आपकी डायरी एंट्री यहीं ख़त्म होती है और डायरी एंट्री के साथ साथ जो है आपके यहाँ पे जो ये ये देखिए क्लू भी बॉक्स दे, दे रखा है मतलब यहाँ पे कुछ आपको वर्ड्स भी दे रखे हैं इनका यूज़ भी आप कर सकते हैं ठीक है उसके बाद ये खत्म होने के बाद आपकी वर्कशीट भी यहीं खत्म होती है अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगे मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में बाय बच्चों टेक केयर